नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आपको बताऊंगा आज पैरामीटर कैसे डालते हैं एबीवी की वीएफडी में। तो एबीवी के वीएफडी में पैरामीटर डालने से पहले जो हम एम्पियर, वोल्टेज और आरपीएम, ये सब मोटर का जो डाटा वो नोट करके रख लेते हैं। जैसे मैंने पहले से ही नोट करके रखा था। तो हम डालने से पहले क्या है, वीएफडी में जब ऑन करेंगे हम तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा उसमें। तो सबसे पहले हम एंटर बटन दबाएंगे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ PAR, फिर एंटर दबाएंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है, फिर उसके बाद एंटर दबाएंगे, फिर यहाँ पे आ गया यानी कि 1001, फिर एंटर दबाएंगे। यहाँ पे होना चाहिए हमारा 2, जैसे ये है मैंने, ठीक है, और 2 होना चाहिए। इसको सेट करने के लिए हम जो है ना इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये सेट पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसको सेट कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 1 हो गया, इसको क्या है, हमें 2 करना है तो 2 ही करके रखेंगे, फिर एंटर दबा दे देंगे। फिर उसके बाद में हम यानी कि इसको लेके जाएंगे हम बैक का बटन दबाएंगे, फिर लेके जाएंगे हम 11 नंबर पे लेके जाएंगे। उसके बाद में फिर हम इसको जो है एंटर दबाएंगे, फिर इसको चेक करेंगे हम 1104 कर दिया। यहाँ पे जो आएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, तो फिर एंटर दबाएंगे। यहाँ पे क्या 45 पे सेट कर रखी है हमने, 45 पे करने के लिए थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये हमें अप डाउन कितनी करनी है वो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैंने क्या है 45 ही कर रखी है, फिर एंटर दबा देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद में हम जाएंगे, फिर बैक करेंगे, इसको लेके जाएंगे हम यानी कि 14 पे, फिर एंटर दबाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, फिर एंटर दबाएंगे, फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए। उसके बाद में फिर इसको लेकर जाएंगे हम 1404 पे लेकर जाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे। यहाँ पे होना चाहिए 15.0, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि हम यानी कि रीसेट यानी एग्जिट वाला बटन दबाएंगे और इसको लेके जाएंगे हम 99 पे, इस पे क्या है, फिर एंटर दबाएंगे। यहाँ पे आ गया 9901, इसको करेंगे हम 2, फिर एंटर दबाएंगे। यहाँ पे 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे 5 पे लेके आए, फिर एंटर दबाएंगे। यहाँ पे हमारे वोल्टेज, ये वोल्टेज सेट है 415 वोल्ट, फिर हम ये मैंने सेट कर रखी है पहले से, फिर बैक करेंगे इसको। फिर उसके बाद जाएंगे हम 9906, ये हमारा एम्पियर, 9906 ये है एम्पियर, तो 1.8 एम्पियर मैंने सेट कर रखा है। फिर उसके बाद हम जाएंगे 7 पे क्या है कि हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमने 50 सेट कर रखी है, वो 50 आप सेट कर देना इसको। फिर जाएंगे हम 8 पे क्या है, आरपीएम यानी कितने, 1450 आरपीएम है, जैसे 1450 सेट कर रखे हैं। उसके बाद जाए हम 9 पे एंटर दबाएंगे। ये है हमारा 9909 पे है हमारा किलोवाट, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 0.8 किलोवाट की मोटर है।
और फिर उसके बाद में एंड पे हम जाएंगे 1994 पे। यहाँ पे जो है हमारा होना चाहिए यानी कि एक या जीरो, ये हो गए हमारे पैरामीटर। अब हम इसको एग्जिट कर देते हैं बाहर, उसके बाद हम अब इसको चला के देखेंगे। हमने जैसे 45 सेट कर रखा था तो वो 45 तक ही फ्रीक्वेंसी जाएगी इसकी, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें।